मृतक महिला हसीना बहन आरोपी आदिल खान लोधी नाड़ा संबंध नु राज जाने जता तेने रस्ता माथी हटावी देवा तेमनी हत्या कराई हती। आ केस मा पोलीसे अकस्मात मा मौत थयानो गुनो दाखल करी वधु ऊंडाण पूर्वक तपास करता आ मामलो हत्यानो होवानु सामे आव्यु छे। सीसीटीवीना आधारे पोलीसे हत्या करनारा शख्सने उनाथी झड़पी लीधो छे। मृतक महिला आरोपी शख्सना आड़ा संबंध नु राज जाणी गयेल जेने कारणे तेने रस्ता माथी हटावी देवा हत्या करी होवानु सामे आव्यु छे। जूनागढ़ शहर में पिशोरीवाड़ी रही खान मस्जिद पास एकली रहती हसीना बेन नु गत तारीख 10 रोज सवारे 7 कलाके सुखनाथ चौक थी जालोरापा रोड तरफ पाछळथी आवेली एक इको कार ना चालके जोरदार टक्कर मारी नासी गया बाद महिला नु मौत थयु हतु। जे केस में हसीना बेन ना भाई रफीक भाई चौहाने डिविजन पोलिस में जाणी इको कार ना चालक सामे फरियाद नोंधावी हती। जे केस में ए डिविजन पोलिस अने एलसीबी सहित ना स्टाफे बनाव समय ना सीसीटीवी तपास साथे मां महिला ने जाणी जोईने पाछळ टक्कर मारी होवानुं स्पष्ट देखातुं हतुं, परंतु इको कार नंबर प्लेट वगरनी हती अने काळा कांच अने सफेद कलरना आधारे आ कार मृतक महिलाना नजीकना विस्तारमां ज रहेतो आदिल खान हनीफ खान लोधी पठाण चलावतो होवानुं सामे आव्युं हतुं अने आदिल खान हनीफ खान लोधी पठाण बनावना दिवसथी गुम हतो, जेने लईने एलसीबीए तेने बातमीना आधारे ઉના ખાતે રહેતા તેમના માસી રોશનબેન પઠાણના ઘરે હોવાની બાતમી મળતા પોલીસે તેને ઉના પટેલ ગેસ્ટ હાઉસ પાછળથી ઝડપી લઈને જૂનાગઢ લાવી આખરી પૂછતાછ કરતા તેણે હત્યા કરી હોવાનું કબૂલ્યું હતું। પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આદિલ ખાનને કોઈ સાથે આડા સંબંધ હોય જે બાબતે મૃતક મહિલાને ખ્યાલ આવી જતા તે બધાને કહી દેશે જેથી બદનામી થશે, જેને કારણે તેને પતાવી દેવા માટે પૂર્વ આયોજિત કાવતરો રચીને હત્યાને અંજામ આપ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે। એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં 10 તારીખ કો જો એક્સિડન્ટ કી બનાવ બના થા ઇન્વેસ્ટિગેશન કે દરમિયાન યે પતા ચલા કી એક્સિડન્ટ નહીં હૈ યે મર્ડર હૈ, પહેલે સે પ્લાન કરકે ગાડી સે ટોકર માર કે મર્ડર કરને કા ઇન કહી રહા થા। तो इस मामले में एक आदिल खान को पुलिस ने अरेस्ट किया और आज कोर्ट में 302 का उमेरा हो गया है। इसमें और कोई पुरावा है और कोई इन्वॉल्व है वो अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। प्राइमा फेसी कारण ये ध्यान पे आया कि आदिल का कई ऊना के आजू बाजू में इनका कुछ रिश्ता नक्की हुआ, ये लेडी उनमें ये इंटरफियर किया है उसके वजह से किया है। और इसमें मेन काम करने वाला बाटी साहब LCB PSI बड़वा साहब, LCB PSI जलू साहब और बाटी साहब का टीम एंड ए डिवीजन बी डिवीजन PI। गौतम चौहान, लाइव गुजरात न्यूज, जूनागढ़।